कोई सज्जन कुएं पर पानी पीने गए और कोई महिला पानी को बाल्टी से निकाल रही थी। अच्छा, उस सज्जन ने उस महिला से कहा, आप अकेली हैं? हाँ अकेली हैं। हम सुनते हैं कि ये त्रिया चरित्र क्या होता है, क्या आप हमें इसका अर्थ बता सकती हैं? इतना कहने की देर उसने अपने हाथों से अपने कपड़ों को फाड़ना शुरू किया और चिल्लाना शुरू किया। चिल्लाने लगी तो आदमी हाथ जोड़ने लगा, पांव पड़ने लगा, अरे ये क्या कर रही हो? बोले अभी देखो ना, अभी पूरे गांव के लोग जमा होंगे, अभी तुम्हारी पिटाई होती है। तो उसने कहा, मैं माफी मांग रहा हूं, मैं गलती मान रहा हूं, मैंने तो केवल पूछा था, मैंने तो कुछ ऐसा अपराध नहीं किया। अच्छा हाँ, तो अब उसने क्या किया, एक बाल्टी पानी, जैसी लोग दौड़ के आए तो एक बाल्टी पानी अपने ऊपर डाल लिया, अपने ऊपर डाल लिया और उसके ऊपर भी पानी फेंक दिया। उसने कहा, ये क्या कर रही हो? बोले हम दोनों चीजें दिखा रही। जैसी वो गांव के लोग आए, चिल्ला तो पहले ही दिया। कहा, क्यों चिल्ला रही थी? कहा, मैं कुएं में गिर पड़ी थी, वो ये सज्जन थे बेचारे, इन्होंने कुएं में कूद के हमारी जान बचाई। गांव भर के लोगों ने कंधे पे उठाया, गांव भर में उसको घुमाया, सबने उसकी जय जयकार की। तो बोले, हमारे पास दोनों स्थितियां हैं, हम जब चाहें तो जीवन नरक बना दें, जब चाहें तो स्वर्ग बना दें, एक पल का खेल है, जिसे चाहें उसको जहां चाहें। तो ये तो विधि हु न तात नारी गति जानी, ये मात्र शक्ति प्रसन्न हो जाए तो क्या से क्या बना दे, अगर अप्रसन्न हो जाए तो कहां से कहां आपको ले जाए, सोच ही नहीं सकते आप।